आज हम एक अनोखे फ्यूजन वाली डिश बनाएंगे, इडलीजा। बेसिकली जो साउथ इंडियन डिश इडली है वो और इटालियन डिश पिज्ज़ा है, उसका एक अनोखा कॉम्बिनेशन है ये। काफ़ी इजी है इसे बनाना और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इडली वाले मोल्ड में या फिर नॉर्मल छोटी कटोरी रहती है, उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे ग्रीस कर लेना है। फ्लफी सॉफ्ट इडली बनाने वाला आटा हमें यहाँ पे मोल्ड में डालना है। फ्लफी सॉफ्ट इडली का आटा बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमें इसे स्टीमर में डालना है और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे रखना है। फिर स्टीम आ जाएगा तब हम इसे रखेंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देख सकते हैं एकदम फ्लफी और सॉफ्ट इडली बिल्कुल तैयार है। तो ये बन गई हमारी साउथ इंडियन स्टाइल इडली। अब हम इसे देंगे इटालियन फ्यूजन। हमें इडली को बीच में से स्लाइस कर लेना है। हमें बटर, घी या फिर ऑयल को हीट करना है और फिर हमें इसमें हमारी बीच में से स्प्लिट की हुई इडली को रोस्ट कर लेना है। जो फ्लैट वाला पार्ट है उसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे और वो जो बल्ज वाला पार्ट है वो इसका बेस बनेगा। बेसिकली इसका रीज़न ऐसा है कि जब आप टॉपिंग्स या फिर सॉस डालोगे तो वो फ्लैट एरिया पे प्रॉपरली रहेगा, अगर आप बल्ज वाले एरिया पे डालोगे तो वो पूरा ड्रिप ऑफ होके गिर जाएगा। एक साइड अब हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस और टॉपिंग्स। मैंने यहाँ पे होममेड पिज्ज़ा सॉस डाला है। पिज्ज़ा पास्ता सॉस बनाने की रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़। ये पिज्ज़ा सॉस काफ़ी फ्लेवरफुल है तो आपको इसमें कोई एडिशनल सॉसेस डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहो तो इसमें मेयोनीज और शेजवान सॉस डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज और कैप्सिकम और जो कोई भी सब्जी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी साउथ इंडियन चटनी भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। ऑलमोस्ट रेडी है हमारा इडलीजा। बस अबे हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके चीज़ मेल्ट होने तक वेट करना है। इसे रोस्ट करते समय आपको काफ़ी अच्छी सुगंध आएगी हर्ब्स की, सब्जियों की, और उसे आपको तभी खाने का मन करेगा। बिल्कुल रेडी है हमारा इडलीजा, इसका चीज़ मेल्ट हो चुका है। हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो भी डाल देंगे। हमारी सिंपल टेस्टी इडली इस इटालियन फ्यूजन की वजह से काफ़ी अनोखी और स्वादिष्ट बन गई है। तो जब भी घर पे इडली बनी हो ज़रूर ट्राई कीजिए इडलीजा, घर में सभी को पसंद आएगी ऐसी रेसिपी है ये। नॉर्मल पिज्ज़ा बेस से बने हुए पिज़्ज़ा को टक्कर देने वाली रेसिपी है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही क्विक, यूनिक और इजी रेसिपीज़ के अपडेट्स पाते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए।